नमस्ते किसान भाइयों, इस बार आपका फिर स्वागत है YouTube चैनल पे मेरे, जिसमें आज मैं आपको एक फसल टमाटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस जगह इस समय टमाटर की फसल काफ़ी ज़ोरों पे चल रही है और उसमें काफ़ी रोग भी आ रहा है। ये मौसम की वजह से, ये बरसात हो गई कई जगहों पे, जिस वजह से टमाटर में काली चिट्टी या पौधे का सिकुड़नापन, ये शिकायतें बहुत आ रही हैं। फसलें जा रही हैं, लोगों की ख़त्म हो रही हैं। इस फसल को मैं कैसे बचाएं, हम लोग कैसे बचाएं, इसके लिए हम आपको उपचार बताएंगे। हो सकता है आपके खेत में भी उस बीमारी को आ रही हो। इस फसल को आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आप पूरी बीमारी उसको देख सकें, उस बीमारी का उपचार कर सकें। ताकि आपको कोई भी समस्या इसमें अगर दिख रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और उसको कमेंट्स बॉक्स में डाल के मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरा चैनल डॉक्टर अंकुर गुप्ता के नाम से है, उसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। इसके बारे में जानकारी के लिए एक नया डॉक्टर बुलाया मैंने, बिमल, मिस्टर बिमल जी को, वो आपको थोड़ी और जानकारी देंगे टमाटर के बारे में। उनको और फार्मर भी है इस खेत का, जिस खेत पर हम लोग खड़े हुए प्लॉट पर, उसका किसान का, जिसका किसान, जिस किसान का खेत है वो भी मेरे पास है। वो बताएंगे कि उनको क्या क्या बीमारी थी, उन्होंने कैसे इस खेत को बचाया, आज इस कंडीशन में जो खेत खड़ा है क्यों खड़ा है, कैसे खड़ा है, क्या लगाया जो उस खेत पे उन्होंने आज रोक रखे हैं, इसके बारे में मैं दोनों को बुलाता हूँ। आइए साहब, आप हैं किसान भाई, क्या नाम है साहब का? अनिल कुमार मिश्रा जी हैं और ये हैं डॉक्टर बिमल जी। ये आपको दोनों में चर्चा करेंगे इस बारे में, बताइए साहब। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर बिमल, बायो क्रॉप साइंस कंपनी से। ये जो प्लाट था इसमें नीमाटोड का बीमारी था, इसमें ये हमारे अनिल कुमार जी भाई साहब हैं, इन्होंने कई दवा का इस्तेमाल इसमें किया था नीमाटोड बीमारी के लिए। ये टमाटर का पौधा है और इसमें नीमाटोड की बहुत ज़बरदस्त शिकायत थी। कई डॉक्टरों ने इसका उपचार किया, इलाज किया, लेकिन ये पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई। तो भाई साहब से पूछना चाहेंगे हम कि आपने इसमें जो दवा लगाई थी नीमाटोड के लिए, वो कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल किया था आपने? इसमें कार्बोफ्यूरान लगाई थी और बेलम प्राइम लगाई थी। कार्बोफ्यूरान जो आपने लगाई थी, वो कितनी बार कार्बोफ्यूरान लगा चुके खेत में आप? दो बार लगाई थी। देख लीजिए, इन्होंने कई बार कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल किया लेकिन नीमाटोड जो बीमारी थी वो ख़त्म नहीं हुई। समस्या क्या थी, पौधे का जो हाइट था वो बढ़ नहीं रहा था, वो छोटी हाइट में था और टमाटर भी इस पौधे पे नहीं आ रहे थे, इस टाइप के पौधे थे इसमें ज़्यादातर, तो इनमें नीमाटोड था, जिसके लिए कार्बोफ्यूरान जमीन में कई बार डाली गई, दो तीन बार डालने के बाद कई कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन नीमाटोड जो बीमारी थी वो ख़त्म ना होने की वजह से टमाटर धीरे धीरे ऊपर थे, पत्ता सिकुड़ने लगे और नॉर्मल पलके पूर्ण रूप से खेत की स्थिति जो थी वो समाप्त होती चली गई। फिर मेरा आना इनके खेत पे हुआ और मैंने खेत को देखा, तो मैंने इनको बताया कि इसमें जो है नीमाटोड की बीमारी है। तो मैंने इनको जानकारी के लिए, मैंने भी कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल करने के लिए इन भाई साहब को मैंने सलाह दी, तो इन्होंने कहा कार्बोफ्यूरान तो मैंने कई बार लगा दी लेकिन उससे कोई मेरा विशेष फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, उससे अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो एक कंपनी बायर क्रॉप साइंस कंपनी की बेलम प्राइम एक दवा आई है जो कि इस एरिया में नहीं थी। ये भाई साहब बुलंदशहर से लेके आए उस दवा को, बेलम प्राइम को, 40 ml टंकी का उसका जड़ पे ड्रिंचिंग की गई है, मतलब उसका जो ड्रिंचिंग की गई है वो पूर्ण नमी थी खेत में, नमी की स्थिति में उसका ड्रिंचिंग की गई है और ड्रिंचिंग करने के बाद आधे घंटे के अंदर उसका रिजल्ट सामने आ गया है। और लगभग 15 दिन के बाद मैं इनके खेत पे आया भाई साहब के, अनिल कुमार जी के, तो मैंने देखा जो नीमाटोड था वो पूर्ण रूप से जल गया था और जो जड़ें थी पौधे की वो पूर्ण रूप से साफ और सुरक्षित निकल रही थी, आगे जो पौधे में जड़ें निकल रही थी। तो बेलम प्राइम लगाने के बाद खेत में आपके कितना परसेंट सुधार आपको दिखाई दिया था? 80% के करीब सुधार था। जी जी, कार्बोफ्यूरान की अपेक्षा बेलम प्राइम से आपको सुपर रिजल्ट रहा है, 80% सुधार दिखाई दिया। उसके बाद टमाटर की खेती भी काफ़ी ग्रोथ में आया पौधा आपका जी, जो है इसकी ग्रोथ में आई है, और उस समय टमाटर जो था वो खेत में लगे भी नहीं थे, लेकिन आज देख रहे हैं तो टमाटर के इसमें टमाटर भी आ गया है खेत में, टमाटर आप देख सकते हैं, ये टमाटर भी इसमें आ गया और पौधे की हाइट देखेंगे तो लगभग हाइट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस समय जो स्थिति थी टमाटर की हाइट की वो ये स्थिति थी टमाटर की हाइट की। तो दवा जैसे बेलम प्राइम को इन्होंने जब इस्तेमाल किया तो बेलम प्राइम लगने के बाद टमाटर की हाइट में भी ग्रोथ आया है, पौधे में कालापन भी आया है,
जड़ों का विकास भी बेहतर हुआ है और टमाटर भी खेत में जो है लगे हैं, गुच्छे भी काफ़ी बने हैं, एक दो दो तीन का गुच्छे बने हैं। तो आप इस बेलम प्राइम के बारे में और किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बढ़िया रिजल्ट है इसका, इसको उपयोग में लाना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। तो ये बेलम प्राइम आप कहाँ से लेके आए थे? बुलंदशहर से लेके आए, बुलंदशहर से लेके आए थे, ठीक है। तो इसको आपने जो है जड़ों पे ड्रिंचिंग किया था, कैसे ड्रिंचिंग किया आपने, कैसे कैसे इस्तेमाल किया, इसके बारे में बताएंगे हमें? जड़ों पे ड्रिंचिंग किया था, उसमें खेत में नमी होनी चाहिए, नमी, हाँ नमी पे आपने इसका स्प्रे किया जड़ों पे, उसके अंदर पौधा के अंदर चली जाती है। तो ये जो टमाटर लगना शुरू हुआ ये कितने दिन के अंदर लगना शुरू हो गया, कितने दिन के अंदर ये हाइट थे पौधे में आ गई थी पूर्ण रूप से? 10 दिन 12 दिन के अंतर में। अच्छा, 12 दिन के बाद टमाटर भी आया था और हाइट भी इसकी ग्रोथ आई है। तो देखिए किसान भाई ये बता रहे हैं भाई साहब हमको कि इसमें लगाने के बाद 12 दिन के अंदर टमाटर में ग्रोथ भी आया और टमाटर भी फूल जो है लगने लगा था और टमाटर भी छटना शुरू हो गया था। धन्यवाद आपको आज के लिए इतना। ब्लैक स्पॉट, अब जो समस्या आ रही है टमाटर में वो काली डंडी की आ रही है, ये जो देख रहे हैं काली डंडी जो स्पॉट पड़ रहे हैं टमाटर पे, मैं इसको दिखाना चाहूँगा तोड़ के। ये डंडी आ रही, काली डंडी ये लगभग अभी देखने को मिली है, तो कई पौधों पे देखने को मिली है। तो ये काली डंडी इस समय इन मौसम में आ जाता है क्योंकि इसमें मौसम थोड़ा चेंज होता है, और मौसम जैसे ही चेंज होता है तो काली डंडी की शिकायत आना शुरू है। काली डंडी ये झुलसा है, ये डंडी के कोई पौधा होगा वो लकड़ी तोड़ो डंडी का, काली डंडी जहाँ पे आ रही है वो दिखाइए हमको। छोड़ो, तो आप देखेंगे इस पौधे पे भी काली डंडी ये इस हिसाब से हो जाता है। पास ले, ये है काली डंडी, देखिए ये टमाटर का पौधा होता है उस पर ये काली डंडी का ये स्पॉट आता है। ये स्पॉट आता कैसे है, ये बीमारी आती कैसे है, तो मैं बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम ये जो है सब्जियों में जो टमाटर यहाँ के किसान लोग करते हैं, और ये टमाटर जो होता है वो लकड़ी पे या डंडे पे या तार पे किया जाता है यहाँ पे टमाटर। तो इसमें जो बीमारी काली डंडी की जो आ रही है, काली डंडी जो है ये एक लेट ब्लाइट से आती है। स्टार्टिंग में इसका देखने को मिलेगा जो पत्ते होते हैं, तो देखोगे पीछे पत्तों पे ये स्पॉट पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्पॉट पड़ेंगे भूरे कलर के और साइड से पत्तियाँ ये जलने लगेंगी, और इसका जलने के बाद ये आता है सीधे ये लकड़ी पे, डंठल पे, इसकी पत्तियों के तने पे, तने के बाद ये डंटी पे यहाँ पे आ जाता है, और यही स्पॉट ये जैसे टमाटर का बन रहा है, अब ये टमाटर बनेगा तो यही स्पॉट इस टमाटर पे भी आना शुरू हो जाता है। तो इसे लेट ब्लाइट कहते हैं। लेट ब्लाइट जो है ये टमाटर पे पत्तों पे, पत्तों से स्टार्ट होता है और टमाटर भी ये फल पे भी पहुंच जाता है धीरे धीरे करके। तो इसके लिए जो बायर क्राफ्ट सन्स कंपनी की जो दवा आती है नटीबो आती है, नटीबो को 15 ग्राम टंकी का स्प्रे कराने पे ये जो बीमारी है ये 7 दिन के अंदर वहीं कंट्रोल हो जाती है। नटीबो एक सिस्टमिक दवा है जो अंतर प्रवाहित होकर काई डंडी, झुलसा वगैरह को, फफूंदी को इसे तुरंत कंट्रोल करती है। तो आपने इस खेत में नटीबो का इस्तेमाल किया था क्या? किया एक बार, किया। एक बार नटीबो का इस्तेमाल किया था, किस स्थिति में किया था आपने नटीबो का इस्तेमाल? काली डंडी, काई डंडी जब स्टार्टिंग में आपका आई थी उस समय आपने नटीबो का एक दो पौधों पे आई थी नटीबो का इस्तेमाल किया था, तो क्या रिजल्ट रहा इस नटीबो का काई डंडी पे? बंद हो गई थी, रुक गई थी। अच्छा, तो काई डंडी जैसे ही आई आपने नटीबो का स्प्रे किया तो 7 दिन के अंदर आपको देखने को मिला होगा कि ये डंडी वहीं रुक गई है और आधे जो पौधा है उसमें नहीं आई है, नई पौधों में, और वहीं पे ग्रोथ करना, इसने ट्रलिंग करना शुरू कर दिया है। हाँ बता दो क्रोसिंग, वो बता दो B3 बता दो वेल्डर में। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी से, वो आपको विशेष कुछ टमाटर के बारे में जानकारी देंगे। अब ये जो बीमारी आ रही है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप नेटिवो डॉक्टर ने बताई नेटिवो लगा सकते हैं, अगर इसके साथ आप 35% मेटल एक्सेल, 15 ग्राम टंकी और 15 ग्राम की नेटिवो मिला कर लगाएंगे तो ये स्थिति यहीं की यहीं रुक जाएगी, ये बढ़ेगी नहीं आगे और पौधा आपका एकदम सही हो जाएगा। इस दवा को लगाने से फसल आपकी एकदम बढ़िया हो जाएगी। ध्यान रखिए कोई भी टॉनिक अभी आप इस्तेमाल ना करें, पहले फसल को हम सही कर लें, टॉनिक बाद में लगा सकते हैं।
इस रोग को बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, पहला आप कॉपर का स्प्रे करें, दूसरा स्प्रे चार दिन बाद नटिवो के साथ आप मेटल एक्सेल प्योर ले लें आप 35%, उसमें 15 ग्राम टंकी और 15 ग्राम की नटिवो मिला के, और एक स्टीगा ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मौसम इस समय बरसात का भी हो सकता है, कभी बरसात पड़ रही है, कभी रात में ओस पड़ रही है, दवा ना धुलें, आप स्टीगा ज़रूर यूज़ करें, और इस पौधे पर आप लगाएं तो ये बीमारी यहीं की ही रुक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। आगे के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो टमाटर के लिए, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इसमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी परेशानी लिखिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। इस चैनल को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और किसान भाइयों को दिखाइए जो टमाटर की फसल कर रहे हैं, अगर उन्हें भी कोई इस टाइप की बीमारी है तो इस चैनल पर ज़रूर बताइए, हो सकता है मैं आपको कुछ फ़ायदा कर सकूँ, आपकी खेती बचा सकूँ। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।